इतनी हैप्पी क्यों हो? अच्छा लिस्ट बना ली अपनी, क्या लेना है तुम्हें? अच्छा ठीक है चलो फिर। अच्छा अच्छा क्यों लगता है ये तो बता दो। क्योंकि बहुत सारे खिलौने होते हैं। अच्छा सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या लगता है जिसके लिए इतनी हैप्पी रहती हो जाने के लिए? और ट्रॉली में घुमाना टॉयज को, है ना? है ना? चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर विंटर मॉर्निंग। तो आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया है, सब वर्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट और ये इतनी सुपर एक्साइटेड है ना वहाँ जाने के लिए। और चलिए निकल पड़े हैं हम फिर। और मुझे ना एक्चुअली मुझे नहीं मम्मा को लेनी थी संक्रांति के लिए कुछ चीज़ें, तो इसी के लिए मेनली हम वहाँ गए थे और कुछ छोटा मोटा सा स्टफ़ भी ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ये मैडम कितनी खुश है इसको लेकर। और ये किचन टॉवल हम लोग देख रहे थे संक्रांति के देने के लिए, तो ये ले लिए हमने सब अलग अलग कलर्स के, तो क्वालिटी अच्छा था इनका काफ़ी। तो इस तरीके की किचन आइटम्स ना विशाल पर ठीक ठाक से मिल जाती हैं। तो फ़िलहाल हमने ये ले लिया है, कुछ बिस्किट्स लिए थे और बस यही छोटा मोटा सा स्टफ़ लिया था। वापस आके लंच किया, उसके बाद टी वगैरह पीकर हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज आपके साथ ना एक विंटर थाली शेयर करूँगी, थोड़ी थोड़ी सी ना बहुत सारी सब्जियाँ थी फ्रिज में, तो सोचा आज मिक्स वेज बना लिया जाए। और मुझे ना अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जी बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है, तो एक एक्सपेरिमेंट में करने जा रही हूँ। आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, जितनी भी वेजिटेबल्स मेरे पास थी ना मैं थोड़ी थोड़ी सी सब ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हरी प्याज को चॉप कर लिया है, तो रफली चॉप किया है। आपके पास भी जो सब्जियाँ हो ना आप डाल सकते हो, वैसे भी विंटर्स में सब्जियों की बहार आई हुई है। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें पालक, इसको भी कट कर लिया है। सबसे पहले तो जो ऊपर ये थोड़े से मोटे डंठल होते हैं ना वो निकाल दिए हैं, इनको साफ़ कर लिया है अच्छे से और रफली ही इनको भी कट कर लिया है। तो सारी सब्जियां ऑलमोस्ट कट हो गई हैं, अब इसका तड़का लगाएंगे और मैं फिर आपको ये भी बताऊँगी कि हरी प्याज और पालक के साथ मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी बनाई है, सबसे पहले तेल डाला है, उसके बाद डाला था जीरा एंड देन फिर हींग, और फिर मैंने डाल दिए हैं ये रफली चॉप टमाटर और इसमें थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ भी मैंने चॉप करके ऐड कर दी हैं। इसको सौते करेंगे और फिर बेसिक मसाले डाल देंगे जैसे कि हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और किचन किंग मसाला। तो जितनी देर टमाटर भुन रहा था ना उतनी देर में मैंने बाकी की सब्जियां भी कट कर ली जो मुझे इस मिक्स वेज में डालनी थी। इस तरीके से मल्टीटास्किंग अगर हम करते हैं ना तो खाना किचन में बहुत जल्दी बन जाता है, और ये थाली तो ना आधे घंटे से भी कम समय में बनके रेडी हो जाएगी। तो टमाटर और मसाला अच्छे से भुन गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ हरा प्याज और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। अब इसमें ऐड किया है मैंने घिया, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ का घिया ले लिया था, इसको छील के कट कर लिया है और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। देन आलू जाएंगे इसमें और इसी तरीके से सारी सब्ज़ियाँ मैं इसमें डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर इसमें जो सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं वो की हैं थोड़ा सा पालक, हरी प्याज, घिया, आलू, गोभी और गाजर। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आप डाल दीजिए, बट
पालक और हरी प्याज, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, एंड साथ में घिया। ये तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्ज़ी है जो इस मिक्स वेज को बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट देगी। ये तीन सब्ज़ियाँ ज़रूर ऐड करके ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग सी मिक्स वेज बनेगी। एक बार बनाना इस तरीके से। तो यहाँ पर ढक के मैंने इसको कवर कर दिया है, बीच बीच में से हिला दिया था इसको, और यहाँ पर ये सब्ज़ी हमारी रेडी है। अब बना लेते हैं दाल पालक। तो एक प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पर ना मैंने साबुत लहसुन की कलियाँ डाली है, तो साबुत लहसुन की जो कलियाँ होती है ना, उसका दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा। तो जीरा और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है कटा हुआ प्याज, तो दो स्मॉल साइज़ के प्याज मैंने इसमें डाले हैं। और थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर। तो प्याज को यहाँ पर मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, हल्का सा ही सौते किया है, क्योंकि दाल में वैसे भी फ्लेवर्स आ जाते हैं। और अब इसमें जाएंगे बेसिक रूटीन मसाले, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो मुझे ना दाल में गरम मसाला यूजुअली पसंद नहीं आता है, अगर इस तरीके की कोई पालक के साथ में अगर बनाती हूँ, या सिंपल जीरा हींग की दाल बनाती हूँ, तो बिल्कुल कम मसालों के साथ मुझे दाल अच्छी लगती है, और मेरी फैमिली में भी ऐसे ही पसंद की जाती है। तो मैंने ऐसे ही उसमें मसाले यूज़ किए हैं। आप चाहें तो मसालों में कुछ चेंजेस कर सकते हैं आपकी फैमिली प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया है ताकि मसाले और टमाटर अच्छे से भुन जाएं। और अब इसमें मैंने डाल दी है धुली हुई मूंग की दाल। तो दाल पालक ना मैं दो तरीके से बनाती हूँ, कई बार छिलकों वाली मूंग दाल के साथ बना लेती हूँ, और कई बार प्लेन जो धुली मूंग दाल होती है ना, उसके साथ बनाती हूँ। तो आज ये येलो दाल के साथ मैं बना रही हूँ। तो दो तीन मिनट दाल को मसालों के साथ और टमाटर के साथ भून लेना है, फिर इसमें मैं ऐड करूँगी पालक। और दाल की कैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इसमें मैंने डाल दिया था पानी। और दो विसल लगाने के बाद ये दाल हो गई है हमारी रेडी। तो मिक्स वेज बन गई है, दाल बन गई है, गर्मा गर्म फुलके भी मैंने सेक लिए हैं। फटाफट से थाली लगा लेते हैं। यहाँ पर आ गई है हमारी कलरफुल सी मिक्स वेज, देख सकते हो आप, ग्रीन रेड बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और गर्मा गर्म ना, अगर आज बाजरे की रोटी नहीं मैंने मिस कर दी, वो बनाती ना तो मज़ा ही आ जाता। फिलहाल ये दाल पालक और फुलके के साथ बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर दाल भी निकाल ली है मैंने, और गर्मा गर्म फुलके, एंड देन यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा सिरके वाला प्याज भी रख लिया है, और दाल में थोड़ा सा घी भी ऐड कर दिया है। तो ये गर्मा गर्म थाली मैं देने जा रही हूँ तनिष को, हमारे घर में ना सबसे पहले मैं उसी को खाना देती हूँ, और कुछ भी अच्छा बनता है ना तो वो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये लग गई है तनिष महाराज जी की थाली। तो ये विंटर स्पेशल थाली ना एक बार बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी है। सारी सब्ज़ियाँ जो आपके बच्चे नहीं खाते हैं ना, इसमें डालकर बना दीजिए, एंड ट्रस्ट मी वो दोबारा मांग कर आपसे खाएंगे, इतनी अमेजिंग लगती है ये थाली। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो आज के व्लॉग में तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।